सुजानपुर ढेरा के प्रदेश के सबसे बड़े चौगान की हालत प्रशासन की अनदेखी के कारण दयनीय बनी हुई है, जिसके कारण चौगान में लगी ग्रिल टूट गई है। वहीं चौगान में कांग्रेसी घास ने डेरा जमा लिया है, लेकिन प्रशासन चुप्पी साध कर बैठा है। लोगों को भी सुबह शाम घूमने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं स्कूली बच्चों को जीव जंतुओं के काटने की आशंका बनी रहती है, लेकिन इसकी सुध लेने के लिए कोई भी प्रशासनिक अधिकारी रुचि नहीं दिखा रहा है। सुजानपुर ढेरा में प्रदेश के सबसे बड़े चौगान की हालत प्रशासन की अनदेखी के कारण दयनीय बनी हुई है, जिसके कारण चौगान में लगी ग्रिल टूट गई है। वहीं चौगान में कांग्रेसी घास ने डेरा जमा लिया है, लेकिन प्रशासन चुप्पी साध कर बैठा है। लोगों को भी सुबह शाम घूमने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। स्कूली बच्चों को जीव जंतुओं के काटने की आकांक्षा बनी हुई है, जिससे साबित हो रहा है कि प्रशासन राष्ट्रीय स्तरीय होली मेले के दौरान करोड़ों रुपए की कमाई करने वाला ये चौगान बदहाली के आंसू बहा रहा है, लेकिन इसकी सुध लेने के लिए कोई भी प्रशासनिक अधिकारी रुचि नहीं दिखा रहा है, जिससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि हालत दयनीय नजर आ रही है। प्रशासन सफाई अभियान के चलते अखबारों और न्यूज चैनलों में सुर्खियां तो बटोर लेता है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। वहीं चौगान में कांग्रेसी घास को उखाड़ने के लिए युवा वर्ग रुचि तो दिखा रहा है, लेकिन प्रशासन की तरफ से मदद न मिलने से उसने भी पल्ला झाड़ लिया है। वहीं बुद्धिजीवियों ने युवाओं व प्रशासन से गुहार लगाई है कि इस ऐतिहासिक चौगान के सुंदरता को बरकरार रखने के लिए प्रदेश सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। सुजानपुर का जो हृदय है, ये हमारा चौगान जो है, इसकी हालत आज से नहीं, लगभग पिछले कोई 7-8 साल से खराब होती जा रही है। मतलब हर साल और से और बदतर से बदतर होती जा रही है, और इसके लिए प्रशासन को भी जिम्मेवारी देना ज़्यादा ठीक नहीं है, क्योंकि प्रशासन की तरफ से अभी मेरे को पीछे पता चला कि हाल ही में 2 मशीनें इन्होंने एक डीजल इंजन वाली दी थी, जिससे वो घास काटनी थी। लेकिन मेरे को लग रहा है कि यहाँ कहीं ना कहीं स्टाफ की कमी और उसके लिए ऑपरेटर इनको नहीं मिल रहे हैं, उसकी वजह से वो घास नहीं कट रहा है। और ये बात भी ठीक है कि अब प्रशासन को ही इसके लिए सुध भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि सुजानपुर का ये जो चौगान है, मेरे हिसाब से प्रतिवर्ष 2-2.5 करोड़ रुपया जो है अपना होली मेला में कमा के प्रशासन को देता है, जिसका जो मैक्सिमम हर साल बजट जो जितना भी बचता है वो बैलेंस पैसा वो सारा हमीरपुर जो डीसी कार्यालय में जो है वो जमा हो जाता है, वहाँ रहता है, और उसका खर्च जो है वो इसके देखभाल के लिए करना चाहिए, और जगह जगह जो ग्रिल टूटी हुई है उसकी भी मेंटेनेंस होनी चाहिए, समय पे बनाना चाहिए, और यदि ग्राउंड के चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लग जाएं, तो आजकल जिस तरह वो बच्चा चोरी की घटनाएं हो रही हैं, तो आने जाने वाले संदिग्धों पर भी नज़र रखी जा सकती है, और चुगान में भी ऑर्नामेंटल प्लांट्स वगैरह लगे तो उसकी खूबसूरती अच्छी लगेगी, देखने में अच्छा लगेगा। तो इस तरह के कुछ सुझाव हैं, अगर प्रशासन उन्हें माने तो काफ़ी अच्छे तरीके से जो सुजानपुर का जो है इसका ग्राउंड की देखभाल हो सकती है। ऐसा होता है कि जब कोई व्यक्ति काम करता है और उसे वो कोई पैसे के लालच में युवा वर्ग काम नहीं कर रहा था, लेकिन उसे एक प्रशंसा या उसकी पीठ पे किसी का हाथ होता, कोई प्रशासन का अधिकारी उनको शाबाशी देता या उनको मोटिवेट करता उस काम के लिए, तो वो उस काम में लगे रहते। उन्हें यह होता है कि नहीं यार, हमें कोई काम करते हुए देखने वाला है और हमारे काम की कदर हो रही है। जब आप उनको इग्नोर करेंगे, हर मोर्चे पे इग्नोर करेंगे, तो वो नेचुरली है, कोई भी व्यक्ति होगा उसकी अपनी रुचि जो है उसमें कम होने लग पड़ती है। तो यही वजह रही होगी कि इस बार वो ज़्यादा रुचि नहीं दिखा पा रहे हैं।